والسلام إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون अगर तुम्हें किसी बात का इलम नहीं है तो अहले इलम से सवाल किया करो। वालिदुल इहतराम, मेरे बुजुर्गों, साथी इहतराम, साथियों, दीन इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल दीन है और इस बात की गारंटी अल्लाह मालिकुल मुल्क का कुरान देता है कि अलियोमा अकमलतु लकुम दीनकुम। मालिक करीम फरमाते हैं कि आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल है। तो हर मुसलमान को इस बात पर खुश होना चाहिए कि रब्बे करीम ने हमें वो दीन इस्लाम अता फरमाया है जो हर एतबार से कामिल और मुकम्मल दीन है और इस दीन को हम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस हस्ती और ज़ात के ज़िम्मे लगाई है उसे ये शर्फ़ और फ़ख्र हासिल है कि रब्बे कायनात ने उनको खातमुन नबीयीन बना के भेजा है और मालिके कौनैन की वही के साथ वो अल्लाह के बंदों की तालीम और तबलीग का बंदोबस्त फरमाते हैं। और अल्लाह मालिकुल मुल्क ने नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो साथी और असहाब अता फरमाए कि जिन्होंने रब्बे कायनात के उस दिए हुए दीन को उस नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह हासिल किया कि उनको अपनी रात और दिन की परवाह व फिक्र नहीं रही बल्कि सिर्फ इस बात की फिक्र रही कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा कलिमा ना रह जाए जो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुबान अक़दस से सुनने से महरूम रह जाए। अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला जैसे इलम के पहाड़ हमें नजर आएंगे जिन्होंने मस्जिद नबवी में आने के बाद इस तरह वहां बैठ करके अपने आप को मस्जिद के साथ खास कर दिया कि कई कई दिन के फाके बर्दाश्त किए लेकिन ये बात पेशे नजर रखी कि कोई ऐसा लम्हा ना रह जाए कि जिस लम्हे में नबी मुअज़्ज़म की जुबान से अल्फाज के मोती निकले और मैं उनको चुनने से महरूम रह जाऊं। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला एक ताजर आदमी है, तिजारत पेशा है, एक दोस्त के साथ इन्होंने मुआहदा किया हुआ है। मुआहदा क्या है कि एक दिन कारोबार मैं करूंगा और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलस में बैठे रहोगे, रात को जब मैं आऊंगा तो पूरे दिन की इल्मी कार्रवाई तुम मुझे सुनाया करोगे, अगले दिन काम के लिए तुम चले जाना, मैं नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा रहूंगा और सारा दिन इल्म हासिल करूंगा, सीखूंगा और जब तुम रात को आओगे तो मैं तुम्हें बता दिया करूंगा। तो ये वो असातीनुल इल्म थे जिन्होंने नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस इल्म को हासिल किया और फिर उसको आगे उसी तरह पहुंचाया जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया था। तो ये एक लंबा मौजू है, उसका एक छोटा सा जुज और जुजी मेरे भाई ने मेरे दुम्मे लगाई कि उस पर आज हम गुफ्तगू करें कि इस इल्म को हासिल करने के लिए जो मालिक कायनात ने हम पर पाबंदी आयद की है कि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है किसी मसले का तो उसके लिए तुम्हारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, सवाल का अंदाज क्या होना चाहिए,
और हमें सवाल किससे करना चाहिए, तो इंतहाई मुख्तसर वक़्त में इन चंद सवालों पर गौर करने की हम कोशिश करते हैं। अगर इस मौज़ू को समझने के लिए बिल्कुल आसान तरीके से उस हदीस को जिसे मिशकातुल मुसाबी से लेकर के सहीहुल बुखारी तक तकरीबन हदीस की तमाम किताबों ने जिक्र किया कि मदीना की मस्जिद नबवी और उस मस्जिद में मसनद इलम पर बैठे हुए कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास एक शख्स आता है, साफ सुथरा लिबास व कपड़े हैं, आकर के आपके सामने बैठ जाता है। अब उसके बैठने का जो अंदाज है उसको भी हदीस ने बयान किया और वो इंतहाई काबिले तवज्जो है। फरमाया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं, फरमाया फअस्नदा रुकबतैही इला रुकबतैही ववादा यदैही अला फखिदैही। इस आने वाले शख्स ने दो जानू होके बैठ गया, अपने हाथ, रिवायत के अल्फाज के दोनों मफहूम निकलते हैं कि उसने अपने इस तरह रानों पर अपने दोनों हाथों को रख लिया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया, और दूसरा इसका माना ये बयान किया उलामा ने कि उसने अपने दोनों हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों रानों के ऊपर रख करके अपने सवाल का आगाज किया। तो ये हिस्सा जो हदीस का है, बाकी आगे हदीस लंबी है, आपके इलम के अंदर होगी। आने वाला शख्स सवाल करने के लिए आता है तो मुंतखब किसको करता है? अब इस मजलस के अंदर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला भी बैठे हुए हैं, उमर फारूक रदी अल्लाह तआला भी बैठे हुए हैं, इनके शानो मंदलत में कोई नक्स और कमी नहीं है और कोई शक व शुबा नहीं है, बल्कि उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में इमाम कौनैन फरमाते हैं, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी रहना होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला को नबी और रसूल बना के मबूस कर देते। उस शख्सियत की मौजूदगी में जो सवाल करने वाले ने जिस शख्सियत को मुंतखब किया है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ से उलमा ने पहला नुक्ता हमारे सामने रखा कि सवाल करने वाले के लिए सवाल की ज़रूरत हमेशा रहती है, लेकिन उसको सवाल करने के लिए सबसे पहले ये बात पेशे नज़र रखनी चाहिए कि जो सवाल वो करने जा रहा है उस सवाल की ज़रूरत भी है या महद वो वक़्त पास करने के लिए सवाल करना चाहते हैं। चूँकि हमारे पास सवाल की दो सूरतें होती हैं, बल्कि कई सूरतें होती हैं। एक आदमी आएगा आपके पास बैठेगा, हजरत साहब एक मसला है, जी फरमाइए, ये सवाल पेश किया, बंदा आगे से जवाब देता है अपने इलम के मुताबिक कि ये जवाब है इसका, वो आगे से कहेगा जी मैंने तो कल फुलां से पूछा था तो उसने तो ये बताया था, मैंने फुलां से भी पता किया उसने भी ये बताया था, मतलब इसके सवाल करने का मकसूद अपने इलम की तिशनगी नहीं पूरी करना है, इसके सवाल करने का मकसद इलम का हासिल करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये जांचना है कि जो बंदा हमारे मुसल्ले पे बैठा हुआ है ये मुसल्ले पर बैठ करके इसको कुछ आता भी है या इसका इलम मेरे से भी नाकिस है। हो सकता है कि इसको यही एक सवाल आता हो और इसी का जवाब आता हो, लेकिन यहाँ से उठ के जैसे ही बाहर जाएगा, यार छड़ो मैं छोटा जा सवाल कीता उन्होंने तो उदा जवाब नहीं आया, बड़ा मौलवी बनया फिर अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और मैंने छोटा सा सवाल किया मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका। तो पहली बात ये याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून ये बनाया है कि फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें इलम नहीं है तो फिर सवाल करो, अगर तुम्हें इलम है तो तुम तो खुद इस काबिल हो कि लोग आके तुमसे सवाल करें, इसलिए तुम्हें सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, सवाल करने वाले के लिए ये लाजिम है कि वो अहले इलम के पास चल करके जाए। आप मुहद्दिसीन की पूरी लिस्ट उठा करके देखें, एक एक हदीस के लिए सही बुखारी में सैयदना उनैस रदी अल्लाह तआला के हवाले से
एक हदीस सुनने के लिए एक महीना जाने का सफर किया और एक महीना वापसी का सफर किया, और जा करके वही एक हदीस पूछी और पूछ करके वापसी का सफर शुरू कर दिया, और कहा कि मैं तुम्हारे पास इसलिए चल के आया हूं कि मुझे ये पता चला है कि ये बात तुमने बराहे रास्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। यानी अहले इलम के लिए सवाल करने के लिए साइल को उस शख्सियत के पास जाना चाहिए जिसके बारे में सबसे पहले उसको ये पता हो कि वो अहले इलम है, उसके पास इलम है। हमारे पास सवाल करने का तरीका क्या है, जिसको भी दाढ़ी वाले को देखा, जी अल्लामा साहब इस मसले के बारे में आपका क्या ख्याल है, जी हजरत साहब आप इसके बारे में क्या कहते हैं। अब हर दाढ़ी रखने से बंदा आलिम नहीं बनता, सर पे बहुत बड़ी पगड़ी रखने से बंदा आलिम नहीं बनता, जुब्बा और दस्तार से बंदा आलिम नहीं बनता, बल्कि मुआशरा बताते हैं कि इस बंदे के पास इलम की नौइयत क्या है और इसका मुआशरा इसके बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ये बात पेश नजर रखनी है कि हमें सवाल की जब जरूरत पड़े, और जरूरत सवाल में भी सबसे मुकदम अपने अकायद को रखा जाए, अकीदे का सवाल सबसे पहले किया जाए, क्योंकि रब्बे कौनैन ने ऐलान किया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिह व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क ऐसी चीज है, अल्लाह ने कहा मैंने मुआफी नहीं करनी, इसके अलावा बाकी सब मेरी मशीयत में है, मैं चाहूंगा तो मुआफ कर दूंगा। तो सबसे पहले सवाल की जरूरत अपने अकीदे को दुरुस्त करने के लिए है कि मेरा अकीदा सही और दुरुस्त हो जाए। फिर अपनी इबादात की दुरुस्ती का सवाल करने की जरूरत है कि मेरी इबादात जो हैं वो उस तरीके की हो जाएं जिस तरीके को लेकर के मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। वगरना ऐसा भी हो जाता है कि एक नबी के दौर का नमाजी सहाबी नमाज पढ़ के फारिग होता है, मस्जिद से निकलने लगता है, सलाम करने के लिए आता है रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आप उसको क्या कहते हैं, इर्जी फसल्ली फइन्नक लम तुसल्ली, भाई वापस चला जा, जाके नमाज को दोबारा पढ़, तूने नमाज पढ़ी ही नहीं है। तो मतलब दूसरी चीज हमारी जरूरत सबसे बड़ी इबादात है कि इबादात के अंदर सवाल किया जाए ताकि मेरी इबादत उस तरीके की हो जैसे सल्लू कमारा ई तो मोनी उसल्ली, कायनात के इमाम फरमाते हैं तुम्हारी नमाज उस तरह की होनी चाहिए जैसे नमाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। फिर हमें सवाल की जरूरत है अपने मुआमिलात के अंदर कि अपने मुआमिलात को उस तरीके के मुताबिक हल करने के लिए और चलाने के लिए जिस तरह से हमारा दीन हमसे मुतालिबा करता है, अपने मुआमिलात का सवाल करें। और जो ये हम हदीस पढ़ते हैं कि तालाबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्द है, तो इसके लिए भी यही है कि जो इल्म उसका मतलूब है, मसलन एक आदमी सुनार है तो उसे ये पूछने की जरूरत है कि सोना किस तरह लेना है, कैसे देना है। एक आदमी काश्तकार है उसके लिए पूछने की जरूरत है उशर कैसे लेना और कैसे देना है। एक आदमी ताजर है तो उसे पूछने की जरूरत है तजारत कैसे करनी है। तो हर शख्स को अपने मुआमिलात में तफक्को के लिए सवाल की जरूरत है। अब एक डॉक्टर का सवाल जो है वो अगर एक काश्तकार करेगा तो उसे फायदा नहीं होगा, महज उसका वक्त पास होगा, और अगर एक काश्तकार का सवाल एक डॉक्टर करेगा तो उसकी मालूमात के अंदर तो इजाफा हो सकता है लेकिन जो मतलूब है वो हासिल नहीं होता। तो पहली बात यह कि सवाल की जरूरत हो और सवाल की जरूरत में भी अहम और अहम को पेश नजर रखा जाए। उसके बाद दूसरा है सवाल जिससे पूछा जाए, तो उसका पहला निकता हमने बयान किया कि वो अहले इलम से सवाल करे, आलिम से सवाल करे। दूसरी बात आलिम भी ऐसा तलाश करे कि जिस आलिम के बारे में मुआशरा गारंटी देता हो कि ये अकीदतन सही और दुरुस्त नजरिया रखने वाला है, गलत और बेरारवी का रास्ता अख्तियार करने वाला नहीं है। अगर आप सहीहुल बुखारी का मुताला करेंगे और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो आपको ये बात अधर मिन शम्स नज़र आएगी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त तक किसी बंदे से सवाल और इलम हासिल ही नहीं करते थे
जब तक उनको ये पता नहीं होता था कि ये बंदा अकीदतन सही और दुरुस्त है और ये अहलु सुन्ना वल जमा के अकीदे पर अमल करने वाला और उस पर कारबंद है। तो ये दूसरी चीज़ जो पेश नज़र रखने की है वो ये है कि उससे सवाल किया जाए जो अपने अकीदे में रास दुरुस्त और सही सिमत को इख्तियार करने वाला हो और उसके पास इल्म शरई हो और उसने वो इल्म बाकायदा हासिल किया हो। देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस बात पर तमाम तारीख मुत्तफिक है कि अल्लाह मालिकुल मुल्क ने इतना इल्म अता किया था और इतना हाफिदा मजबूत अता किया था इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कि अगर इधर वाला सफ़ा इधर वाले सफ़े से पहले पढ़ा गया तो ये पहले याद हो जाएगा और इधर वाला रह जाएगा। इतना अल्लाह ने हाफिदा अता फरमाया है कि एक बार सुन लेते हैं तो दोबारा दोहराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसके बावजूद ज़िंदगी का एक लंबा अरसा शहरों और मुल्कों के अंदर फिरते हुए गुजर गया, किस लिए? ताकि मैं जाके इलम हासिल करूं और इनसे उनसे इलम हासिल करूं जिनके पास इलम में रसूख मौजूद है। तो इलम का हासिल करने के लिए उस शख्स को तलाश करना भी ज़रूरी है जिस शख्स से आप समझते हैं कि उसके पास अपने इलम के अंदर रसूख है। मसलन हमारे इस मुआशरे में या लाहौर की इस हद तक अगर हम कहें तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी इंसान को हदीस का इलम हासिल करना है और वो हमारे पास आता था तो हम उसे कहते थे यार ऐसा करो बेहतर है कि आप मोहतरम हाफिज़ सनाउल्लाह साहब के पास चले जाएँ, उनके पास हदीस के मौजू पर कामिल इल्म मौजूद है। कोई रिजाल का सवाल करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि अमनपुरी साहब से राबिता कर लें, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अगर कोई बंदा असमा और रिजाल पर बात करते हैं तो हम उसे कहते थे शेख ज़ुबैर अली ज़ई से राबिता कर लें, उनसे आपको इस पर सिका और पुख्ता इल्म मिलेगा। अलाहद अल-क़यास इल्म के हसूल के लिए उस बंदे का जो है वो उस बंदे को तलाश करना इस बंदे के पास उसके इलम का रसूख मौजूद है, ये इलम को हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। और अहले इलम से इलम हासिल करना ये इलम को हासिल करने के ज़राए में से ज़रिया है। और ख़ास तौर पर उलमा ने इस मौजू पर बड़ी वादे गुफ्तगू की है कि बाद उकात एक आदमी एक मसले को अपने तौर पर एक जगह से पढ़ लेता है और उसके बाद वो उसी जगह से उसका जवाब देना शुरू कर देता है, लोगों को बताना शुरू कर देता है, लोग उसे आलिम समझते हुए उसका जवाब सुन करके उस पर अमल कर लेते हैं, हालांकि वो ये जानता ही नहीं होता कि जो मैं बयान करने जा रहा हूँ ये नासिख है, ये मनसूख है, ये मुनकर है, ये शाद है, इसकी हैसियत क्या है। मैं उसकी एक मिसाल आपको छोटी सी देता हूँ। अभी मैं जब सुबह उठा तो मोबाइल में सवाल आया हुआ था एक दोस्त का, तो मैंने वो सवाल खोला तो उसने उसके अंदर एक सवाल रखा हुआ है, कहता है हजरत मुझे किसी ने बताया है सूरतुल बकरा के हवाले से कि जिस आदमी के पास माली इस्तेतात मौजूद हो और वो रोज़ा ना रखना चाहे तो वो किसी को उसके बदले में खाना खिला दे तो उसको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी उस पर रोज़ा साकित हो जाता है, वो ना भी रोज़ा रखे और इस्तेतात और सेहतमंद होने के बावजूद अगर वो किसी को खाना खिला दे तो वो उसके लिए रोज़े की जगह कायम मकाम हो जाएगा। और ये उसने सूरतुल बकरा और कुरान के हवाले से बताया। अब जिस आदमी को आप ये कहेंगे कि ये कुरान में लिखा हुआ है और वो इसके बारे में जानता नहीं है तो लाजमी बात है वो तो कहेगा कि शुबा ही नहीं है, क्यों जी अगर हमें को बताए कि ये अल्लाह के कुरान में लिखा हुआ है और वो आपको तर्जमा भी दिखा रहा है, आपको सूरत भी दिखा रहा है, आपको जगह भी दिखा रहा है, तो अब वो साइल जो है वो तो राह रास्त से भटक जाएगा। तो ये जवाब उसने जो दिया है कुरान में लिखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, इसी तरह ही लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत ये थी कि वो साथ अगला हिस्सा भी पढ़ लेता, वान तसूमु खैरुल लकुम, अगर तुम रोज़ा रखो तो यही बेहतर है तुम्हारे लिए, और वो अगर पढ़ लेता कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अललदीना मिन कबलिकुम। तो इलम के हासिल करने के लिए सवाल करने की ज़रूरत है, सवाल अहले इलम से करने की ज़रूरत है,
सबसे पहले अकीदे का सवाल करने की ज़रूरत है, फिर इबादात का सवाल करने की ज़रूरत है, फिर मुआमिलात का सवाल करने की ज़रूरत है, और फिर जिससे सवाल किया जा रहा है उसका अहले इलम होना ज़रूरी है और उसका अकीदतन अहले सुन्ना वल जमा के मनहज पर होना ज़रूरी है, और तीसरा ये कि उसका ताल्लुक इलम और ताल्लुम के साथ हो, सीखने और सिखाने के साथ हो, ताकि उसके इलम के अंदर रसूख मौजूद हो और वो जवाब देते हुए खुद जो है वो किसी लफ्ज़ से इतराज कर सके और अपने आप को उससे बचा सके, ताकि सवाल से वो मकसद हासिल हो जिस मकसद के लिए सवाल किया जा रहा है, और जवाब से वो इस्तिफादा हासिल हो जिस इस्तिफादे के लिए रब ने कहा कि फसालू अहल दिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो अहले इल्म से सवाल किया करो। अगर हम हदीस के मजमूए की तरफ जाएं, चूंकि आप सहरी खाने के बाद बैठे रहना, चूँकि जो बोलने वाला होता है उसके लिए जागना आसान होता है, सामेईन के लिए जा कर के बैठना और सुनना ये हकीकतन एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं अपनी बात को समेटते हुए अगर रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला किया जाए, पहला ये जो मैंने अभी ज़िक्र किया ये सैयदना जिब्रील अलैहि सलातु वस्सलाम के हवाले से कि उन्होंने आकर के आपसे सवालात किए, और उन सवालों को पूछने के लिए सबसे पहले अदब को मलहूज़ खातिर रखा। इसी तरह पैगंबर अलैहिस्सलाम बाद औकात अपने सहाबा से सवाल किया करते थे, मकसूद सवाल करना नहीं होता था बल्कि मकसूद ये होता था कि उसका इलम के ऊपर उसको मुबारकबाद भी दी जाए और उसका इलम याद दहानी के लिए मजबूत हो। सैयदना उबै इब्न काब रदी अल्लाह तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उबै ये बताओ कि अय्यु आयतिन मिन किताबिल्लाह माअक आदम, ये बताओ कि तुम्हारी नज़र में पूरे कुरान मजीद की 6236 आयात में से सबसे अजीम आयत कौन सी है। उबैर रदी अल्लाह तआला कुरान के हाफिज हैं, कुरान के कारी हैं, कुरान के आलिम हैं, और कुरान पर इतना रसूख है कि एक मौके पर रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से सलाम फेर के पूछा था कि तुम में उबै बैठे हैं, पर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हूँ। फरमाया मुझे नमाज में ना किरात के दरमियान कुछ अश्काल होने लगा था और मुझे यकीन था कि पीछे उबई खड़े हैं, अगर मेरे से कोई जो है वो कोई अश्काल आया भी तो उबई बता करके मेरी तौसी कर देंगे। तो उबई रदी अल्लाह तआला को कुरान पर इतना रसूख हासिल है, आप उनसे पूछ रहे हैं कि उबई ये बताओ कि कुरान की कौन सी आयत सबसे अजीम है। उबई ने भट झट पर जवाब नहीं दिया बल्कि कहते हैं अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा इलम है। फिर सवाल किया, फिर सवाल किया, तो अब उबै रदी अल्लाह तआला को सवाल समझ आया कि वाकईतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले सुनना चाहते हैं, फिर आप मुझे बताएंगे। तो तब उन्होंने जाकर के जवाब दिया और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नजर में, मेरी सोच के मुताबिक आयतुल कुर्सी वो आयत मुबारक है जो कुरान की सबसे अजीम तरीन आयत है। तो रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के साथ ऐसे हाथ जो है वो सैयदना उबै रदी अल्लाह तआला के सीने पे मारते हैं और साथ ही फरमाते हैं ले यहिंकल इल्म अबुल मुंदर, अबुल मुंदर तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इल्म के अंदर रसूख अता किया है। तो साइल और उस्ताद का बाद औकात सवाल उसका मकसद तालिब इल्म की तवज्जो मबजूल करवाना होता है, ताकि वो बात को तवज्जो से सुने और फिर वो बात उसको याद रहे। इसीलिए नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद औकात मसला बताने के लिए चलते चलते एक ऐसी चीज़ की तरफ इशारा कर देते हैं जो कि उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन अमल बन जाता है और मसला उसके लिए ज़िंदगी में रसूख हासिल कर जाता है। आप मस्जिद से गुजर रहे हैं, एक सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, आप चलते चलते उनको कहते हैं भी आओ मेरी बात सुनो, गालिबन सईद इब्न मुअल्ला रदी अल्लाह तआला उनका इनका नाम है, आप चलते चलते कहते हैं कि मेरी बात सुनो। अब ये सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, इन्होंने सोचा कि भी नमाज तो नमाज मुकम्मिल करके फिर ही जाना है। इन्होंने नमाज मुकम्मिल की, रसूलुल्लाह सल्लम के पास पहुंचे, आपने फरमाया भी मैं तो बड़ी देर होगी तुम्हें बुला के आया था, जल्दी क्यों नहीं आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नमाज पढ़ रहा था। फरमाया तुमने अल्लाह का कुरान नहीं सुना, रब तो कुरान में कहता है इस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल इदा दआकुम लिमा युहयीकुम, कि जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए तो फौरन आओ,
तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी नमाज को तोड़ देते फिर फौरन मेरे पास पहुंचते, ये तुम्हारे ऊपर हक था, इसलिए कि तुम्हें बुलाने वाला कोई आम शख्स नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह मेरे भाइयों, किसी आदमी के पास अगर हदीस पहुंचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फिर उसके पास ये गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि वो कहे जी अच्छा जी मैं देखता हूँ जी, चूंके चुनाके चींचके छांके मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कि मेरे आलिम ने इसके बारे में क्या कहा, हमारी फिका क्या कहती है, हम इसके बारे में क्या कहते हैं। यहाँ बात यह है कि अगर नबी किसी नमाज पढ़ते हुए को भी आवाज़ दे तो उसे फौरन आना है। तो नबी कायनात के पास आ गए, आपने अपना मुबारक हाथ इनके हाथ के अंदर ऐसे करके पकड़ा और कहा कि जब मस्जिद से हम निकलेंगे ना, तो मस्जिद के दरवाजे से निकलने से पहले पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, इल्मी बात है, और वो क्या है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कुरान की सबसे अजीम तरीन सूरह मुबारक कौन सी है। अब ये सहाबी का हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में है, मस्जिद से बाहर निकलने लगे, दरवाजे तक जा पहुंचे, दरवाजे से निकलने लगे तो याद दहानी के तौर पर कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक वादा फरमाया था कि मस्जिद से निकलने से पहले आप मुझे बताएंगे कि कुरान की सबसे अजीम सूरत कौन सी है। तो नबी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमले के अंदर जवाब दे के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरतुल फातिहा, ये कुरान की सबसे अजीम तरीन सूरह मुबारक है। अब ये जो माहौल आपने क्रिएट किया है, ये माहौल सहाबी के जहन में इस तरह से रासिख हो गया कि जब वो मसला भी बयान करते हैं तो सात कैफियत बयान करते हैं कि मेरा हाथ नबी के हाथ में था और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुझे ये बताया और इस बात की तरफ मेरी तवज्जो मबजूल करवाई थी। तो मेरे भाइयों, ये मौजू अपनी जगह पर बहुत लंबा है, अपनी नाकस इल्मी के मुताबिक जो चंद एक बातें मैं आपके सामने रख सका, इसमें जो सही है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर हमें अमल करने की तौफीक दे, अगर इसमें कोई कमी कोताही रह गई है तो ये मेरी और शैतान की तरफ से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मुआफ़ फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।